ब्रजभूषण सिंह और रेसलर्स के बीच घमासान में अब पहलवान साक्षी मलिक और बबीता फोगाट की नई जंग भी जुड़ गई है। दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। हाल ही में बबीता ने साक्षी को चुनौती देते हुए कहा कि राजनीति करनी है तो खुलकर मैदान में आए। आपकी बातें सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप पहलवान के पक्ष में हैं या कांग्रेस प्रवक्ता के तौर पर बयान दे रही हैं। बबीता का ये बयान साक्षी के उस दावे पर आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि बबीता फोगाट ने उन्हें धरना देने के लिए मोटिवेट किया और उन्हें धरना देने की परमिशन भी दिलवाई। बबीता फोगाट का कहना है, दीपेंद्र हुड्डा का नाम लेकर हम पर आरोप लगाए जा रहे हैं तो मैं कहूंगी कि साक्षी बहन, आज तक ना तो किसी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता ने उसके ऊपर बयान दिया है और ना ही पार्टी के किसी नेता ने अपने बचाव में बयान दिया है। बावजूद इसके आप उनको काउंटर करने के लिए हर आदमी को जवाब क्यों दे रहे हैं? बबीता फोगाट ने आगे कहा, दीपेंद्र हुड्डा जी, तब आप कहां थे जब 2012 से लगातार हरियाणा कुश्ती संघ के 10 साल तक अध्यक्ष के पद पर बैठे रहे? क्या कभी आपने महिला पहलवानों की सुध ली? क्या आपने कभी उनके दुख, दर्द और तकलीफ को जानने की कोशिश की? क्या आपने कभी इन बातों का संज्ञान लेने की कोशिश की? लेकिन साक्षी बहन इस धरने को लीड कर रही थी, वो कांग्रेस की कठपुतली की तरह काम कर रही थी, उनका पूरा नियंत्रण धरने पर बैठे लोगों पर था। बबीता यही नहीं रुकी, उन्होंने आगे कहा, एक भारतीय होने और एक पहलवान होने के नाते मेरा भी खून खौल रहा था, लेकिन साक्षी वीडियो में बचकानी बातें कर रही थी, कितना भोला बनने की कोशिश कर रही थी, अब सब कुछ वो दूसरों के कंधों पर डालकर खुद पाक साफ होना चाहती है। कितना शातिर दिमाग है साक्षी बहन आपका। बबीता फोगाट आगे कहती है, खाप पंचायतों के चाचा ताऊ, जो मेरे भी चाचा ताऊ हैं, उनके विरोध में होना तो सपने में भी नहीं सोच सकती, और मैं इसी समाज का हिस्सा हूँ। अब इनको इस्तेमाल करके इनको बौना मत कीजिए, ये सबसे बड़ा पाप है। ये जग जाहिर हो चुका है कि आप कांग्रेस का हिस्सा बन चुकी हो और सबके सामने आकर क्यों नहीं बोलती? अगर किसी भी मेरी बहन के साथ गलत हुआ तो मैं उनके साथ हूँ, साथ रहूंगी, लेकिन अगर उनके लिए अगर मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े तो वो भी देने के लिए मैं तैयार हूँ। न्याय प्रक्रिया पर मुझे पूरा विश्वास है। बबीता फोगाट ने आगे कहा, गलत को सजा मिलेगी और सच्चाई की जीत होगी। जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी होगा। जो लोग मुझ पर राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं उनको कहना चाहती हूँ कि मैं बीजेपी की सच्ची सिपाही और कर्मठ कार्यकर्ता हूँ और हमेशा रहूंगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।